Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta Sharma और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर टूथ फ्रैक्चर हो जाता है यानी कि दांत टूट जाता है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, कहीं पे गिर जाते हैं या फिर कुछ लग जाता है, बोल वगैरह कई बार लग जाती है, तो जब भी दांत टूट जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस जो दांत टूट जाता है इस कंडीशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट जो केस है दैट इज कि अगर पूरा का पूरा ही दांत निकल के बाहर गिर जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो टूटा हुआ दांत होता है आपको मिल्क में उस दांत को स्टोर करके और जितना जल्दी हो सकता है नियर बाय डेंटल क्लिनिक विजिट कीजिए। ऐसे केसेस में जितना जल्दी आप दांत को लेके जाते हैं तो उस दांत को वापस से पेशेंट में रीइंस्टॉल किया जा सकता है। नाउ द सेकेंड केस, जैसे इस फोटो में दिखाया है, कोई भी चोट लगने की वजह से अगर दांत का छोटा सा पार्ट क्रैक हो जाए, टूट के गिर जाए, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक्सरे करते हैं। एक्सरे से हम ये पता लगाते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो कहाँ तक पहुंचा है। अगर डेंटिन या इनेमल तक वो पहुंचा है तो ऐसे केसेस में हम फिलिंग कर देते हैं यानी कि मसाला भर के और उस दांत को पहले की तरह कर देते हैं। बट नाउ द थर्ड केस जो होता है, अगर दांत बहुत ज्यादा टूट गया है, इतना ज्यादा कि उस दांत की नसें ही बाहर एक्सपोज हो रही हैं यानी कि दिखाई देने लग जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख भी सकते हैं। ऐसे केसेस में फिर उस दांत की आरसीटी की जाती है यानी कि नसों का इलाज, और उसके बाद उसके ऊपर एक कैप लगा दी जाती है जो बाकी के जितने भी साइड के टीथ हैं उनकी तरह ही दिखाई देती है, यानी कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये असली दांत है या नकली दांत है। और हाँ, ये इलाज परमानेंट है यानी कि लाइफ टाइम आपका ये आरसीटी ट्रीटेड टूथ रहेगा। यहीं पे एक और बात मैं बताना चाहूंगी, जब भी कई बार एक्सीडेंट होता है यानी कि आप कहीं पे गिर जाते हैं या फिर कोई चीज आपके दांत पे लग जाती है तो उस टाइम पे आपको पेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बट विद टाइम यानी कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, टाइम के साथ साथ उस दांत का कलर चेंज होने लग जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आपको तो पता नहीं चलता है क्योंकि आपको पेन ही नहीं हुआ है, बट अगर आपको लगता है कि ये दांत ग्रेश हो गया है, कलर कुछ चेंज हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप जब डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं तो ऐसे केसेस में भी उस दांत की आरसीटी करने के बाद उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं ताकि वो दांत नेचुरल अपीयरेंस दे। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अलोंग विद दैट, अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे सभी कॉन्टेक्ट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। अलोंग विद दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डेंटल एम्पायर एकेडमी को और करें अपने डेंटल एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Thank you.